ये इनपुट का ब्रेकर है इन्वर्टर की, ये इन्वर्टर की आउटपुट का ब्रेकर है, ये इसकी वोल्ट प्लस एम्पीयर की प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये ब्रेकर टाइप चेंजओवर है। पॉजिटिव को आपने फ्यूज के अंदर लगा देना, ऐसे पॉजिटिव को फ्यूज के अंदर लगा दिया और इधर से पॉजिटिव फ्यूज के अंदर से निकल गई, इधर आ गई हमारी ब्रेकर के अंदर, ब्रेकर के पॉजिटिव के ऊपर, ठीक है, और इधर से निकल के जो है ना हमारी सीधी इन्वर्टर को लग जाएगी इधर, और नेगेटिव का क्या करना है, नेगेटिव भी इधर से सीधी आएगी ऐसे। तो अगर हम इसको डायरेक्ट चेंज ओवर को वापडा के ऊपर करते हैं तो हमारा ये टोटली सिस्टम जो है ना बाईपास हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी मेरे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इर्तजा टेक्निकल सॉल्यूशन। आज की वीडियो भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी आपकी। अगर आपने ये हमारी पिछली वीडियो चेक की है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने डीसी ब्रेकर, एसी ब्रेकर, चेंज ओवर कौन सी डिवाइसेज अपने हाइब्रिड सोलर सिस्टम में लगानी है, ठीक है, एक एक चीज़ की मैंने वजाहत के साथ आपको बताया था। बट इस वीडियो में मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम के आपने कनेक्शन, इसकी वायरिंग कैसे करनी है, किस तरीके से आपने जो है ना डीसी ब्रेकर लगाना है और एसी ब्रेकर लगाना है, ब्रेकर टाइप चेंज ओवर किस तरह आपने लगाना है, प्रोटेक्शन डिवाइस आपने कौन सी लगानी है, कहाँ पर लगानी है, मुकम्मल एक ड्राइंग बना के एक तफसील के साथ आपको हम ये वीडियो में चेक कराएंगे कि आपने वायरिंग के जो है ना किस तरह आपने सोलर सिस्टम की वायरिंग कैसे करनी है। जी फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए जी दोस्तों, वीडियो के मेन पॉइंट की तो बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने जो है ना इसके साथ दो एसी ब्रेकर लगने हैं हमारे, ठीक है, और इसके अलावा एक डीसी ब्रेकर, डीसी फ्यूज, एक डीसी 125 एम्पीयर का ब्रेकर बैटरी का और एक प्रोटेक्शन डिवाइस, इस तरह आप ये चेक कर सकते हैं जी, ठीक है। इसमें हमारे पास ये ड्राइंग में मैंने बनाया हुआ है ये वाला, देखिए ये एसी ब्रेकर है, ये वापडा की लाइन पे लगेगा, वापडा इनपुट का ब्रेकर है जो कि हमने इसको सप्लाई देनी है इसके थ्रू इन्वर्टर को, ठीक है, ये इनपुट का ब्रेकर है इन्वर्टर की, ये इन्वर्टर की आउटपुट का ब्रेकर है, ये इसकी वोल्ट प्लस एम्पीयर की प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये ब्रेकर टाइप चेंज ओवर है, ठीक है, ये डीसी ब्रेकर है टू पोल, और इसके अलावा ये डीसी फ्यूज है, ये डीसी 125 एम्पीयर का ब्रेकर है, ठीक है। इसी तरह मैंने ये एक ड्राइंग में बना लिया है, आप चेक कर सकते हैं जी, इसको जरा क्लोज करके दिखाएं, ये देखें जी ये एसी इनपुट का ब्रेकर है, ठीक है, और इसके लिखते हैं एसी इनपुट ब्रेकर, एसी इनपुट का ब्रेकर है, ये हमारी वोल्ट प्लस एम्पेयर की प्रोटेक्शन डिवाइस है, ठीक है, और ये एसी आउटपुट का ये वाला ब्रेकर है, ये आउटपुट का ब्रेकर है, ये हमारा ब्रेकर टाइप चेंज ओवर है जी, ठीक है, ये ब्रेकर टाइप चेंज ओवर है, इसको बोलते हैं 63 एम्पेयर का, ये डीसी ब्रेकर है 32 एम्पेयर का या 20-25 एम्पेयर का आप लगा सकते हैं, डीसी टू पोल ब्रेकर है जी, ठीक है, ये डीसी ब्रेकर, और ये डीसी 125 एम्पेयर का ब्रेकर है बैटरी के लिए, ठीक है, ये टोमजन कंपनी के सारे ब्रेकर हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे घर में जो अक्सर वायरिंग होती है, आप चेक करें जो वायरिंग होती है हमारे घर में, हमारा वापडा का जो मेन मीटर है वहाँ से दो तारे आती हैं, ठीक है, न्यूट्रल और फेज, जो कि हमारे मेन डीबी बॉक्स के ब्रेकर में लगा होता है, ठीक है, आगे से जो है ना इधर से हमारा लोड जो है ना इधर ऐसे जाता है, ठीक है, जिस तरह मैं आपको चेक करा दूँ, ये न्यूट्रल जो है ना इधर से ऐसे आएगी इधर, और ये फेज भी हमारे इधर से ऐसे आगे, हमारे ये इधर छोटे सिंगल पोल ब्रेकर लगे होते हैं हमारे होम के जो है ना मेन डीबी के अंदर, जो कि लाइट को जा रही होता है लोड इधर से, इधर से पंखे का जा रहा होता है, एसी को जा रहा होता है, यानी कि मुख्तलिफ जगह पे जो है ना लोड हमारा डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, अगर हमारे पास ये वाला सिस्टम नहीं लगा हुआ तो। इस तरह यानी कि मेन हमारे घर के इस तरह कनेक्शन होते हैं, वापडा से लाइन आई ब्रेकर में, आई ब्रेकर से निकल के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आके डिस्ट्रीब्यूट होगी सप्लाई, जिस तरह ये हमारा, आपने क्या करना है कि आपके जो ऊपर जो मेन ब्रेकर है उसके ऊपर जो लोड की वायर लगी हुई है ना, दो वायर लगी हुई है लोड की, वो आपने उतार लेनी है, ठीक है, न्यूट्रल की वायर इधर लगी होगी, वापडा की लाइन की तार जो है ना इधर लगी होगी, जो कि इधर से गुजर के हमारी मेन बॉक्स में ये सिंगल पोल ब्रेकर को जा रही होती है, इधर से आपने वायर उतार लेनी है, ये वाली वायर जो उतार के आपने सेपरेट से इसको साइड पे रख देना, ताकि इधर जो है ना हम सोलर का लोड देंगे, जो सोलर की हमारी आउटपुट आएगी ना सप्लाई, वो इधर से हम इस वायर की जो हमने उतारी होनी है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, या इधर से वायरों को खोल देंगे, इधर जो है ना हमारा डायरेक्ट जो है ना लोड लग जाएगा, ठीक है। इससे इधर क्या करना है कि इधर से जो है ना सप्लाई हमारी आएगी, इधर इधर से हमारी सप्लाई जाएगी इसके इनपुट ब्रेकर के ऊपर, ये एसी इनपुट ब्रेकर है, इधर से वायर आएगी हमारी सीधी, ठीक है, इधर से हमारी वायर आ जाएगी सीधी, इस तरह आएगी, ठीक है, इधर सीधी जो है ना इसको लग जाएगी हमारे ये एसी इनपुट ब्रेकर को, ठीक है, और इधर से आउट होके हमारी जो है ना ये न्यूट्रल है, ये वाली ये लाइन है न्यूट्रल लाइन, तो इसकी न्यूट्रल जो है ना इधर आएगी, इधर से ये न्यूट्रल इधर लग जाएगी, और हमारी जो लाइन है, लाइन भी जो है ना इधर से ऐसे आएगी,
ये ऐसे लग जी लाइन, ठीक है। ये वोल्ट प्लस एम्पेयर की प्रोटेक्शन डिवाइस है, इसको हमने इनपुट के ऊपर सप्लाई दे दी, ये इसकी इनपुट है, प्रोटेक्शन डिवाइस की इनपुट इधर हमने सप्लाई दी, इधर से आउट होके हमारी जो है ना ये इधर से हमारी इन्वर्टर को सप्लाई चली जाएगी, ये न्यूट्रल, ये लाइन, ये इधर चली जाएगी इन्वर्टर को, इन्वर्टर की इनपुट के ऊपर, इन्वर्टर के इनपुट के ऊपर हमारी वापरा की लाइन चली गई, ठीक है। इस तरह आपका काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास फर्ज के ये दो बैटरीज हैं, ठीक है, ये दो बैटरीज है हमारे पास, दो बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हमने सीरीज में करके 24 वोल्ट बनाना है। इधर से आपने क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव को मिला देना है, ठीक है। ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दिया, अगर हमारे पास वायर आ गई ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको आपने नेगेटिव को आपने यहाँ पे लगा लेना है और पॉजिटिव को आपने यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। ये आपने देख लिया, इसको इधर लगा दिया, और इधर से जो है ना आपने क्या करा, इधर से सप्लाई हमारी चली जाएगी ये इन्वर्टर को, पॉजिटिव इधर से, नेगेटिव इधर से, बैटरी के पॉइंट के ऊपर चला जाएगा ये वाला लोड, ठीक है, इसके बैटरी का। जिस तरह हमारे पास ये सोलर के जो है ना ये पैनल लगे हुए हैं, 6 पैनल लगे हुए हैं, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसके लिए आपने ऐसे करना है कि आपकी जो है ना इसमें सीरीज में कनेक्शन कर लेने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के एंड पे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला निकाल लेना है, ठीक है। वो हमारी स्ट्रिंग जो है ना इधर आ जाएगी, ठीक है, इधर से कनेक्शन करने के बाद हमारी जो है ना स्ट्रिंग इधर इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी, और ये वाली स्ट्रिंग जो है हमारी सप्लाई जो है मेन तार यहाँ पे आई। इधर से हमने क्या करना है कि पॉजिटिव को आपने फ्यूज के अंदर लगा देना, ऐसे पॉजिटिव को फ्यूज के अंदर लगा दिया, और इधर से पॉजिटिव फ्यूज के अंदर से निकल गई, इधर आ गई हमारी ब्रेकर के अंदर, ब्रेकर के पॉजिटिव के ऊपर, ठीक है, और इधर से निकल के जो है ना हमारी सीधी इन्वर्टर को लग जाएगी इधर, और नेगेटिव का क्या करना है, नेगेटिव भी इधर से सीधी आएगी ऐसे, ये सीधी ऐसे आएगी नीचे, और ये लग जाएगी इन्वर्टर के ब्रेकर के इनपुट के ऊपर, ठीक है। ये ब्रेकर हमारा डीसी ब्रेकर है, इसको सप्लाई आपने इस तरह लगा देनी है, न्यूट्रल आपने डायरेक्ट लगा देनी है ब्रेकर को, और पॉजिटिव जो है ना थ्रू फ्यूज लगानी है आपने, ये फ्यूज हमारा लगा हुआ है एक, ये फ्यूज के थ्रू आपने इसकी पॉजिटिव को लगा के आगे ये वाली पॉजिटिव निकल के इन्वर्टर को चली जाएगी, और नेगेटिव इधर से इन्वर्टर को चली जाएगी, इन्वर्टर की डीसी सप्लाई जो पीवी लिखा होता है यहाँ पे, पीवी लिखा होता है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये इन्वर्टर का, ये पीवी के भी कनेक्शन हो गए, डीसी ब्रेकर भी कनेक्शन हो गए। आगे हमारा आ जाता है एसी आउटपुट का ब्रेकर, ये एसी हमारा आउटपुट का ब्रेकर है, ठीक है। इसके कनेक्शन आपने कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ, कि आपके जो है ना ये लगा होता है हमारे पास, लगा होता है ये इन्वर्टर, इन्वर्टर इस तरह, ये हमारे पास इन्वर्टर लगा हुआ है, ये हमारे पास इन्वर्टर लगा है, इन्वर्टर की आउटपुट से दो तारें निकलती हैं, ठीक है। ये दो वायर जो ना निकल रही है इधर से हमारी आएंगी इसके ऊपर ब्रेकर की इनपुट के ऊपर, ये इन्वर्टर की आउटपुट है, आउटपुट से दो वायर निकलनी है ब्रेकर की इनपुट के ऊपर लग जाएंगी, ठीक है। और इधर से निकल के ना हमारी इधर से निकल के, ठीक है, आगे जो है ना इसकी आउटपुट से तारे दो निकलेंगी, ठीक है। ये हमारी आगी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि लाइन, ये न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल का क्या करना है, जो ब्रेकर से वायर निकलेगी वो आएगी सीधी हमारी इधर से, इसको हमने सप्लाई देनी है, चेंजवर को हमने वापडा की सप्लाई देनी है। ये इन्वर्टर की जो है ना, ये इधर से जो इन्वर्टर की आउटपुट निकलनी है ना, इन्वर्टर की आउटपुट ये हमारा होता है, ये इन्वर्टर की सोलर, ये सोलर की आउटपुट है, समझे, कि सोलर इन्वर्टर की आउटपुट है, ये इधर से सोलर आएगा इधर, ठीक है, जो बिजली हमारी बन रही है इधर कन्वर्ट होकर इधर आएगी, इधर से निकल के हमारा सोलर आएगी, सोलर इनपुट जो है ना इधर आके इधर लग जाएगी ये, ठीक है। ये इधर आगे हमारी सोलर की सप्लाई, मेरी बात समझ रहे हैं, ये सोलर की इनपुट की सप्लाई इधर आएगी, इधर से निकल के हमारे सोलर के ब्रेकर टाइप चेंजर में इधर लग जाएगी, ये हमारा सोलर यहाँ तक आ गया, और न्यूट्रल जो है ना आपके, आपने इधर देनी है वापडा की सप्लाई, इधर आना है वापडा की सप्लाई, इधर आपने वापडा से सप्लाई ले लेनी है पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइन न्यूट्रल आपने वापडा से ले लेनी है, ठीक है। और ये वापडा से सप्लाई आप मेन ब्रेकर के ऊपर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, ठीक है। मेन से कोशिश करें मेन से सप्लाई दे इस वापडा को, पॉजिटिव और नेगेटिव आपने यहाँ से सप्लाई उठा के आपने दे देनी है वापडा के ब्रेकर टाइप चेंजर को, वापडा मेन वापडा देनी है, और इधर जो है ना दूसरी साइड पर आपने लगा देना है ब्रेकर टाइप चेंजर के साथ, आपने लगा सोलर की सप्लाई लगा देनी है, इधर हमारा लोड लगेगा, ठीक है। ये हमारी जो लोड की जो हमने वायर इधर छोड़ी हुई थी, ये वाली दो वायर्स, ये हमारी वायर जो है इनके साथ कनेक्ट होगी, ये इधर हमारी कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
अगर हम इसको डायरेक्ट चेंजओवर को वापडा के ऊपर करते हैं तो हमारा ये टोटली सिस्टम जो है ना बाईपास हो जाएगा, हमारा जो लोड जो है ना जितना भी लोड है डायरेक्ट वापडा के ऊपर चलेगा। इसके ऊपर सिलेक्शन होती है ऊपर या नीचे, जिस तरह ये हमारे पास ब्रेकर टाइप चेंजओवर है, जिस तरह ये देखें मैंने कनेक्शन भी इसी हिसाब से बनाया है, ठीक है। ये दो वायर ये हैं, दो इधर आपने लगा देनी है, इसकी वायर लगानी है नीचे वाला जो दो पॉइंट है, इधर आपने वायर लगा देनी है इसकी सोलर की, दो वायर सोलर की लग जाएंगी यहाँ पे और ऊपर लग जाएंगी आपकी वापडा की लाइनें, यहाँ पे हमारा लोड लग जाएगा, ठीक है। इस तरह ये ब्रेकर में मैंने आपको बताया, इस तरह यानी कि आपने इसके कनेक्शन करने हैं आगे। अगर आप इसको ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं, एक टाइम पे एक पॉइंट जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ ऐसे एक टाइम पे। अगर हम इसको करते हैं दो पे करते हैं, दो के ऊपर करने से दूसरा पॉइंट जो है ना इसके साथ कनेक्ट होकर हमारा लोड जो है ना चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह यानी कि आप इसके मेन कनेक्शन कर सकते हैं मुकम्मल डिटेल के साथ। जी फ्रेंड, ये थे इसके मेन कनेक्शन, जिस तरह यानी कि मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ एक ड्राइंग बना के सारे कनेक्शन इसके बता दिए हैं। तो इसमें आप ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ये 11वें का लगा लें, ये 14वें का लगा लें, और ये डीबी बॉक्स जो है ना ये वाले डीसी ब्रेकर के डीबी बॉक्स हैं, डीसी ब्रेकर को कोशिश करें लहदा से लगाएं, ठीक है। इस तरह यानी कि आपकी एक अच्छी डीबी जो है ना वो डिज़ाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अपने सिस्टम के मुताबिक जो है ना अपने ब्रेकर की रेटिंग वगैरह सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इसकी जो अगर वायरिंग की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, नीचे मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप हमसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है ना कुछ लोग अपना सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इस तरह वायरिंग के कनेक्शन करके अपना सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। जी फ्रेंड, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ एक नई जो है ना वो टेक्नोलॉजी के साथ दोबारा हम हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।